मेरा नाम महेंद्र कुमार बुच्चा, मैं बीकानेर निवासी हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा रसोई का मिठाई बना के बची हुई रोटियां से बना के बताता हूँ। जैसे बची हुई घर की सभी रोटियां से सभी तरह के लोग नमकीन प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक मिठाई बना के बताता हूँ। जैसे जिस लड्डू को मैं बनाऊंगा उसको बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी बड़े चाव से खाते हैं। उसमें उपयोग होने वाली सभी चीजों जैसे बची हुई रोटी, गोंद, बादाम, घी और शक्कर, पीसी हुई चीनी, इसी से मैं आपको एक मिठाई बना के बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप छोटी छोटी कटिंग करके रोटी को, चार रोटियों को जरूरत के मुताबिक कटिंग कीजिए। छोटे छोटे देख सकते हैं कि मैंने छोटी छोटी रोटियां कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम जैसे गोंद और बादाम घी के अंदर गैस पे फ्राई करेंगे। घी के अंदर गोंद फ्राई कर रहे हैं। क्या गोंद हमने फ्राई कर लिया है, अब हम बादाम को भी फ्राई कर रहे हैं घी के अंदर। अब हमने बादाम को भी फ्राई कर लिया है। अब हम लेते हैं मिक्सी का जार, उसमें हम इन रोटियों को डालते हैं और फिर मिक्सी पे इनको बारीक रवा बनाते हैं। देखते हैं कि रोटियों का हमने एक चूरा बना लिया है। अब इसको हम कढ़ाई के अंदर वापस सेक थोड़ा घी डाल के इसको सेकना है। जब रोटियों को चूरा करने के बाद हम इसको कढ़ाई के अंदर गैस पे घी के साथ फ्राई करना है। अब ये घी के साथ कढ़ाई में सख्ता से फ्राई करते रहे। जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद फ्राई ब्राउन की तरह थोड़ा लाल पे आ जाए रोटियां का चूरा, आप देख सकते हैं कि इसको घी के अंदर सेकने के बाद ये ब्राउन हो चुका है। अब इसकी बहुत ही अच्छी सुगंध खुशबू आ रही है। अब आप गैस बंद करके जो बादाम और गोंद जो फ्राई किए हैं वो इनके साथ मिलाने हैं और उसके बाद जरूरत के मुताबिक उसमें पिसी हुई शक्कर डालनी है। जैसे मीठा अधिक चाहिए तो अधिक शक्कर डालें। हमने सब गोंद बादाम के साथ मिला दिया शक्कर के साथ। अब इसको आप कढ़ाई को नीचे गैस से नीचे उतार के 5-7-10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। कढ़ाई में से निकाल के इसको अब आप देख सकते हैं कि ये कैसा बन गया है। अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख रहे हैं और उसके बाद हम इससे लड्डू बांधेंगे। तो लड्डू बांध रहे हैं। देख सकते हैं कि ये बादाम लड्डू बन चुके हैं। अब हम इनके ऊपर बर्फ लगा रहे हैं। बन चुके हैं और अब हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप भी अपने घर पे बना सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर घर पे बना के सभी को खिलाएं और आप इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करिए।